ओके तो मास्क कौन बोला है? तो मैं भी मास्क पहन लेता हूँ। तो आप बताओ कि पूरा वीडियो में ऐसे मास्क पहन के करूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आई एम एक्साइटेड कि क्या थीम है इस गाने का और क्या ये हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। रफ्तार है, फीचरिंग कर्मा, वशमीत कौर एंड यूनान। Let's go. Welcome to my channel, Ishan Sage. And if you're watching me for the very first time, I would love it if you hit the subscribe button right now. I'm going to dig into it, but also we can get connected. You don't miss any video from my side. तुम्हें लगा वैसे मैं रैप गॉड है। तो मुझे अभी पिछली वीडियोस में कहीं पे किसी एक वीडियो में कमेंट आया कि भाई चश्मा तो बदल ले, मैं नहीं बदला। शुरू करते हैं फिर रिएक्शन बिना किसी बकचोदी के। शुरू करते हैं फिर। Let's go. Whoa. वीडियो बाय ब्लैक एसिड प्रोडक्शन। ओके दिस इज गुड। मैंने और भी देखा। यो लुक्स इंटरेस्टिंग। मास्क कौन? समथिंग रिलेटेड टू नेचर हो सकता है। स्टे सेफ। या डोंट बी पॉजिटिव। आई गॉट इट। दिस वन्स फॉर द लॉस्ट सोल्स, दिस वन्स फॉर द वन्स फाइटिंग वॉर्स ओवर लॉस्ट गॉड, दिस वन्स फॉर माय मामा ग्लो। क्योंकि वही करे नौकर जो करे जो कर है गरीब और पीछे वॉल के झोपड़ी भी और नौकरी नहीं चोती चीनी और लड़के चाहते सब छोकरी नहीं जब मांगे वोट तब वोट जीनी फिर जिसको वोट दो वो हुडी नहीं देखो सीमा आंटी जब बढ़ते चीनी मेरी सोने की चिड़िया क्योड़ी नहीं पीस पीस नो पीस पीस जब से मास्क ऑन सबके मास्क ऑफ वायरस घुमा पूरी दुनिया बिना पासपोर्ट मास्क ऑन सबके मास्क ऑफ फेक न्यूज प्रोपेगेंडा सभी मास्क ऑन मास्क ऑन सबके मास्क ऑफ बच्चे भूखे बैठे पेट में ना लैक्टोस मास्क ऑन घर पर आई होप तुम बिना सीट बेल्ट हो क्लीन बैक नहीं हो सफर पर आई होप चेहरे को कवर कर अपने चल रहे हो डगर पर कल जब हम फास्ट लोग तभी लास्ट लोग बिना मास्क तो है पर खास लोग बिना हाथ धो के पास सांस लोगे देन फास्ट फॉरवर्ड टू फास्ट मोर गया बच्चे भूखे बैठे पेट में ना लैक्टोस मास्क ऑन सबके फैक्ट्स ऑफ फेक न्यूज बट टिकटॉक चल रहा है गाइस मैं आ रहा नाउ प्लेइंग ऑन टिकटॉक जो भी लिखा है तेरी जरूरी नहीं के वही सही बॉस वो सच ही नहीं तू पढ़ के क्यों करता यकीन Sometimes yes जो भी लिखा है कहीं क्या लिखा है सावधान इन सपोर्ट ऑफ द वेरी फैट कैंपेन ओह नाइस नाइस वेरी कूल और थैंक यू इस तरह के गाने के लिए क्योंकि ऐसे कंटेंट भी चाहिए होता है जो अभी चल रहा है उस चीज पे गाना बनाया एंड इट वाज सो क्रिएटिवली सो गुड लिरिक्स वॉज सो गुड लिरिक्स जो रफ्तार के थे वो बहुत सही था फिर कर्मा के वो बहुत सही था रश्मीत कौर का हुक पार्ट था वो बहुत सही था इट वॉज अ नाइस मतलब जो क्रिएटिव लोग हैं ना उनको बहुत अच्छा लगा है एक एक नेचर को यू नो वो दिखाते हुए पेड़ पौधे दिख रहे थे ऐसा लगा नेचर है तो वो जो वीडियो बनाने का जो आइडिया था वो बहुत सही था आई लव डेट मैन आई लव डेट और बिल्कुल सच बातें बोली मतलब आप बताना आप किस बात से एग्री नहीं करते हो मेरे ख्याल से सारी बातों से एग्री करोगे जो जो बातें बोली वो सब सही था जो रेफरेंसेस दिए जो फ्लो था एवरीथिंग वाज सो गुड एंड अभी पता नहीं ऊपर लिखा हुआ आ रहा था कि प्लेइंग ऑन आते हैं जैसे प्लेइंग ऑन सावन प्लेइंग ऑन आईट्यून्स आ रहा प्लेइंग ऑन टिकटॉक मतलब टिकटॉक का आ रहा था
टिकटॉक चल रहा है क्या? मैंने बताओ यार, अगर टिकटॉक चल रहा है तो चेक मत करने लग जाना। हाँ, कहीं इस बहाने तुम चेक करने लगो और फिर टिकटॉक यूज़ करने लगो, मर्जी है तुम्हारी यार। बाकी जो बातें बोली उन्हें लागू करो यार, मास्क पहनो। लोग मास्क पहनना छोड़ रहे हैं, मतलब छोड़ नहीं रहे, लाइटली ले रहे हैं। राइट, लोगों को लग रहा है अपने आप ठीक हो रहे हैं। वो केजरीवाल का ऐड आ रहा है ना, लोगों को लग रहा है अपने आप ठीक हो रहे हैं। हैं भाई, फ्री में इलाज हो रहा है? फ्री दिल्ली में हो रहा है, पता नहीं देहरादून में तो नहीं हो रहा, पता नहीं। तो लेकिन जो भी है, अपनी सिक्योरिटी रखो। और सिक्योरिटी खाली मास्क ही नहीं, कई लोग मास्क पहन रहे हैं, हेलमेट उतार दे रहे हैं। अरे भाई, हेलमेट भी सिक्योरिटी है। ये नहीं कि अब मास्क वाला सीन चल रहा है तो मास्क पहनेंगे। कार में सीट बेल्ट भी जरूरी है, हेलमेट भी जरूरी है। हेलमेट काम आता है, बाल खराब होने से कुछ नहीं होगा, काम आता है भाई। बहुत लोग हैं जो उनका एक्सीडेंट होता है और सर बच जाता है हेलमेट की वजह से। लेकिन चलो छोड़ो, गाना बहुत सही था, सब कुछ ऑन पॉइंट था, म्यूजिक बढ़िया था, लिरिक्स बढ़िया थे, वीडियो बढ़िया था। आई विल गिव थम्स अप टू दिस सॉन्ग। और जैसे जब भी कोलैबोरेशन होती हैं, तीन चार सिंगर्स होते हैं, रैपर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, जो भी होते हैं, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरा फेवरेट पार्ट कौन सा था। सो आई वुड से माय फेवरेट पार्ट वाज जो रफ्तार का पार्ट था, क्योंकि वो लिरिकली ज़्यादा स्ट्रांग था। उसमें एक क्या बोलते हैं उसे, बहुत गहराई थी उन बातों में, सच्चाई थी। तो मुझे वो पार्ट सबसे बेस्ट लगा। तुम बताना तुम्हें सबसे बेस्ट पार्ट किसका लगा, यूनान का, रश्मित कौर का, कर्मा का, या रफ्तार का? सो दिस वाज माय रिएक्शन टू दिस। बाकी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेगा मेरे दूसरे चैनल का, जिसपे मैं व्लॉग्स डाल रहा था। अब थोड़ा मैं उस पे कवर सॉन्ग्स डाल रहा हूँ गिटार के साथ, और कल भी एक और वीडियो डालने वाला हूँ, तो उसको मिस मत करो। बेल घंटी जो भी मिलता है वो आप वहाँ पे बजाओ। यहाँ पे आप बजा चुके हो, है ना, नोटिफिकेशन आएगा दोनों तरफ से आपको बिजी रखूंगा। तो आदमी क्योंकि मुस्को रात रहो, खुश रहो, डू समथिंग प्राउड।